क्लास 10 हिंदी का जो है गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे उसका जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बीबीआई क्वेश्चन जो है 2024 के लिए, 2024 के एग्जाम के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए जो है ना, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, पूरा से पूरा देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। उसका जो है पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मूलर का जो जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, आंसर हो जाएगा डेसाओ। क्या हो जाएगा आंसर, डेसाओ। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत किसकी भूमि है, भारत किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, किसकी भूमि है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। अगला क्वेश्चन है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में, किस भाषा में किया था, जर्मन भाषा में किया था, ठीक है, किस भाषा में किया था, जर्मन भाषा में किया था। अगला जो है मैक्स मूलर क्या है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था, मैक्स मूलर ने किया था, किसने किया था, मैक्स मूलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, किसको प्रदान किया था नाइट की उपाधि, महारानी विक्टोरिया ने, तो मैक्स मूलर को, किसने, किसको, मैक्स मूलर को। अगला क्वेश्चन है कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किन भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में, किस भाषा में किया था, जर्मन भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है लेपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो संस्कृत का, किस भाषा का अध्ययन किया था, संस्कृत का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, क्या विशाल है, तो संस्कृत भाषा और साहित्य भाषा, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, कौन, किसकी, कौन भाषा, संस्कृत भाषा और साहित्य सबसे ज़्यादा विशाल है, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनरल कनिघम का संबंध किससे है, जनरल कनिघम का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा पुरातत्व से, किससे है, पुरातत्व से। अगला क्वेश्चन है 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, तो वाराणसी में, कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है, कहाँ स्थित है, बिहार में। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर जी हैं, कौन है, मैक्स मूलर जी हैं, कौन है, मैक्स मूलर जी हैं। अगला क्वेश्चन है नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से, किससे है, मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, वारेन हेस्टिंग्स था, कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है दारिश क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दारिश क्या है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, दारिश क्या है, ठीक है। तो क्या है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है, दारिश क्या है, सोने की प्राचीन कालीन क्या है, सिक्का है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो का संबंध किस देश से है, प्लेटो का संबंध जो है यूनान से, किससे है, यूनान से संबंध है प्लेटो का संबंध। अगला क्वेश्चन है सहनामा का रचनाकार कौन है, सहनामा का रचनाकाल है, मतलब किस काल में जो है सहनामा का रचना हुआ था, तो 10वीं 11वीं सदी में, कब, 10वीं 11वीं सदी के अप्रोक्स में, ठीक है। अगला है मुंडा किस देश की जाति है, मुंडा जो है भारत देश की जाति है, किस देश की जाति है, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, तो मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत की जाति है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में लिखता है, तो ये इंग्लिश में लिखता है, इंग्लिश में, किस भाषा में, इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर विलियम्स जॉन्स ने भारत की यात्रा कब की थी,
तो 1783 ईस्वी में कब किए था, 1783 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रस्तुत हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, किसके लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरकस क्या थे, हरकस क्या थे, जिसका हो जाएगा एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, हरकस क्या थे, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतों का वेदांति किसे कहा है, तो मैक्स मूलर को, किसको कहा है, मैक्स मूलर को कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, यानी किस वर्ष जो है मैक्स मूलर ने जो है लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था, तो 18वीं सदी में, कौन सदी में, 18वीं सदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है, इसका आंसर हो जाएगा जरथुष्ट, क्या नाम है, जरथुष्ट नाम है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था, ठीक है। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो विलहेलम मूलर, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, विलहेलम मूलर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय, क्या क्वेश्चन है बताओ, अगला क्वेश्चन जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, इसका हो जाएगा कुमार गुप्त ने, किसने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जी, कौन प्राचीनतम भाषा है, हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, तो कौन सा प्राचीनतम भाषा है, तो इसका जो रह जाएगा संस्कृत, संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है, यानी पुराना भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, मैक्स मूलर की मृत्यु हुआ था, ठीक है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है, तो नीति कथा, इसका नीति कथा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वारेन हाइंस्टीन को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था, किसने किया था, मैक्स मूलर ने किया था। भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो यह एक भाषण है, क्या है, यह एक भाषण है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में, यानी गांव में, ठीक है। अगर गांव आंसर आएगा तो गांव में ही मार देना है, ठीक है। प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे, एक दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे, नाम क्या था, प्लेटो और कांट क्या थे, एक महान दार्शनिक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, तो मैक्स मूलर ने, किसने प्रकाशित करवाया था, तो मैक्स मूलर ने ही प्रकाशित करवाया था। अगला है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो नाम है मेघदूत, किस, क्या, मेघदूत का जो है किसमें, जर्मन भाषा में क्या किया था, अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्रचलित है, दक्षिण भारत में बताओ कौन सी भाषा जो है अधिक प्रचलित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल, दक्षिण भारत में जो है ऑप्शन नंबर ए जो है तमिल जो है प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, माइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइस बोला जाता है, चूहे को माइस बोला जाता है। अगला है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश को माना है, किसको माना है बताओ, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश जो है भारत को माना है, किसको माना है, भारत को माना है। अगला क्वेश्चन है,
ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? तो जानने योग्य। ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य होता है। तो इसका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमारे वीडियो पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह के जो है वीडियो जो है आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो 2024 के एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।